हाय गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने अरिथमेटिक ऑपरेटर देखा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और रिमाइंडर के लिए। इसके अलावा कुछ और मैथ फंक्शंस, प्री डिफाइंड मैथ फंक्शंस पीएचपी में अवेलेबल हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जैसे कि एबीएस, एसी, ओएस, बहुत सारे हैं। मैं आपको सभी के नाम तक पढ़ के भी नहीं बता सकता क्योंकि इतने सारे हैं कि अगर सबका नाम पढ़ूँ तो काफ़ी वक्त लगेगा। इनमें से मैं आपको एक बता देता हूँ जिससे कि आपका जो है डाउट क्लियर हो जाए कि मतलब इसको कैसे इस्तेमाल करना है वो आपको समझ में, चूँकि ये फंक्शन है तो इनमें आप आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं। जैसे कि SQRT का हम लोग इस्तेमाल देखेंगे, चूँकि ये इजी भी है और जल्दी से हमारा हो जाएगा। SQRT जो कि स्क्वायर रूट निकाल कर आपको देगा। सो जल्दी से एक क्विक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि इको SQRT और बिटवीन पैरेंथेसिस हम लोग यहाँ दे देते हैं कितना, 49। 49 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 7। तो हमें आउटपुट स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसको रिफ्रेश करते हैं और आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा 7। तो इस तरीके से आप मैथ फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसका और बेहतर तरीके से आप यूटिलाइज़ कीजिए, आप वेरिएबल बनाइए, वेरिएबल से उसको असाइन कीजिए, देन वेरिएबल को आप प्रिंट कीजिए, तो और भी अच्छे तरीके से आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बट यूज़ करने का तरीका इसका ऐसा ही है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। यहाँ देखिए, जैसे कि num1 लिखते हैं और इसको हम लोग यहाँ 49 हम लोग असाइन करते हैं, और यहाँ आप क्या कीजिए कि SQRT num यहाँ लिख कर देखिए क्या ये आपको आउटपुट देगा। इस तरीके का आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा खुद से, बिकॉज आप PHP सीख रहे हैं तो उम्मीद है कि आप पहले से बहुत कुछ जानते होंगे। तो SQRT लिखते हैं, देन इसको रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि आउटपुट हमें दे रहा है या नहीं। हाँ जी, आउटपुट मिल रहा है, इसीलिए इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। इसको और किस तरीके से आप लिख सकते हैं, इसको आप डायरेक्ट देखिए कि क्या इस तरीके से आप लिख सकते हैं SQRT। यहाँ अगर आप कर देते हैं इसको इस तरीके से, और यहाँ आप SQRT नहीं लिखेंगे बल्कि आप इसको सिंपली ऐसे प्रिंट करेंगे। तो सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं कि आउटपुट आपको सही मिलेगा। जी हाँ, अभी भी आपको आउटपुट सही मिल रहा है। तो यानी कि इन डिफरेंट तरीकों से आप SQRT यानी कि इस मैथ फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे वो वेरिएबल में इसका वैल्यू असाइन कर दीजिए और वेरिएबल को प्रिंट कीजिए, या फिर यहाँ वेरिएबल के साथ प्रिंट कीजिए, जैसी मर्जी करे उस तरीके का आप कोड को मैनिपुलेट करके अपना एक्सपेरिमेंट करते रहिए और बेहतर सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।